दोस्तों आज इंडिया और श्रीलंका का पहला ओडीआई मैच कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों आज के मैच में सबसे पहले श्रीलंका ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से अविष्का फर्नांडो और मिनोट भनुका ने ओपनिंग साझेदारी करी। अविष्का फर्नांडो ने 35 गेंदों पर 33 रन बनाए। इन्होंने अपनी पारी के दौरान 2 चौके वहीं 1 छक्का लगाया। इन्होंने 94.28 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। युजवेंद्र चहल ने इनको मनीष पांडे के हाथों कैच लपका कर फर्नांडो का विकेट चलता गया। वहीं 200 विनोद भनुका ने 44 गेंदें खेली और मैच 27 रन ही बना पाए। इन्होंने अपनी पारी में 3 चौके लगाए और 61.36 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना है भनुका राजपक्सा। इन्होंने 22 गेंदों पर 24 रन बनाए। ये आती बहुत आक्रामक दिखे। इन्होंने 2 छक्के पहले ओवर में लगा दिए। इन्होंने 7 में 2 चौके भी लगाए। इन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के वहीं 2 चौके लगाए और 109.09 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे धनंजय डी सिल्वा। इन्होंने 27 गेंदें खेली और इन्होंने 14 रन बनाए। इन्होंने अपनी पारी में 1 चौका लगाया। इन्होंने 51.85 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वहीं दोस्तों पाँचवें नंबर पर बल्लेबाजी करना है चरित एसलैंका। इन्होंने 65 गेंदें खेली और 38 रन की बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेली। इन्होंने अपनी पारी में मैच 1 चौका ही लगाया लेकिन इन्होंने पारी बहुत ही शानदार खेली और इन्होंने 58.46 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दीपक चेर आए और इनको ईशान किशन के हाथों स्टंपिंग करा दिया। श्रीलंका टीम के 5 विकेट बहुत ही जल्दी गिर जाने के बाद नंबर 6 पर श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका को आना पड़ा। इन्होंने 50 गेंदें खेली और इन्होंने 50 गेंदों का सामना करके 39 रन का योगदान दिया। इन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। दसुन शनाका ने 78 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए हसरंगा। इन्होंने 7 गेंदें खेली और बहुत ही जल्दी अपना विकेट गंवा दिया। यह मैच 8 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इन्होंने अपनी पारी में 1 चौका लगाया। हसरंगा ने 114.28 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और दीपक चेर ने इनका विकेट लेकर अपने मैच में 2वां विकेट भी हासिल किया। वहीं दोस्तों इसके बाद 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे चमिका कुनराथ ने। इन्होंने ओडीआई मैच में 1 T20 जैसी बहुत ही शानदार अपनी टीम के लिए पारी खेली। इन्हीं की पारी के बदौलत टीम श्रीलंका का स्कोर 262 रनों तक पहुंच गया। कनुरत्ने ने 35 गेंदों पर 43 रन बनाए वो भी नाबाद बनाए। इन्होंने अपनी पारी के दौरान 1 तो चौका लगाया वहीं 2 लंबे सिक्सेज भी लगाए। कनुरत्ने ने 122.85 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वहीं दोस्तों 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे इसरू उडाना। इन्होंने 9 गेंदें खेली और 8 रन बनाए और 88.88 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे दुष्मंत्रा चमीरा। चमीरा ने 7 गेंदें खेलकर 13 रन बनाए। इन्होंने 1 चौका वहीं 1 छक्का भी लगाया। इन्होंने 185.71 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और भुवनेश्वर कुमार ने इनको रनआउट किया। दोस्तों करुणात ने और चमीरा ने दोनों ने लास्ट में बहुत ही शानदार पारी खेली। करुणात ने और चमीरा की पारी के बदौलत टीम श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 262 रन बना दिए। और दोस्तों बात करें तो इंडिया की टीम ने श्रीलंका की टीम को 15 रन एक्स्ट्रा के दिए जिसमें से 2 लेग बाय के 1 नो बॉल और 12 वाइड गेंदे थी। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस मैच में श्रीलंका के विकेट किस प्रकार गिरे। तो दोस्तों श्रीलंका के जो मैच के विकेट गिरे हैं वो इस प्रकार गिरे। दोस्तों श्रीलंका का पहला विकेट गिरा वो गिरा था 49 रनों के स्कोर पर अविष्का फर्नांडो का। यह 10वें ओवर की पहली गेंद पर इनका विकेट गिर गया। वहीं दोस्तों श्रीलंका का जो दूसरा विकेट गिरा वो गिरा था भनुका राजपक्सा का। इनका विकेट 17वें ओवर की पहली गेंद पर गिरा और 85 रन पर दूसरा विकेट गिर गया श्रीलंका का। वहीं दोस्तों तीसरा विकेट गिरा विनोद भनुका का। इनका विकेट 89 रन पर गिर गया। बहुत ही जल्दी भी इनका विकेट गिर गया राजपक्सा के आउट होने के बाद ही। मैच 4 रन बनाने के बाद ही इनका तीसरा विकेट गिर गया और टीम श्रीलंका के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया। और दोस्तों चौथा विकेट गिरा वह गिरा था धनंजय डी सिल्वा का 117 रनों के स्कोर पर 25 ओवर की 4थी गेंद पर। वहीं दोस्तों 5वां विकेट गिरा था श्रीलंका का वह भी गिरा था 38वें ओवर में। वहीं दोस्तों जो 6वां विकेट गिरा वह गिरा था हसरंगा का 40वें ओवर में 186 रनों के स्कोर पर। वहीं दोस्तों जो टीम श्रीलंका का 7वां विकेट गिरा वह गिरा था दसुन शनाका कप्तान का 205 रन के स्कोर पर। वहीं दोस्तों श्रीलंका का 8वां विकेट गिरा 222 रनों के स्कोर पर इसरू उडाना का। वहीं दोस्तों जो 9वां विकेट गिरा वह गिरा था 262 रनों के स्कोर पर दुश्मन चमीरा का और ये 50 ओवर की लास्ट गेंद पर ये विकेट गिरा।
दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं टीम इंडिया की, आज के मैच में बॉलिंग किस प्रकार करी। तो दोस्तों टीम इंडिया ने आज के मैच में बॉलिंग कुछ इस प्रकार करी है। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार बहुत लंबे समय बाद, लगभग 1.5 साल बाद क्रिकेट में वापसी करी और ओडीआई मैच में इन्होंने 1.5 साल बाद वापसी करी। इन्होंने भुवनेश्वर कुमार ने आज के मैच में 9 ओवर फेंके और 9 ओवर में इन्होंने 63 रन दिए, जिसमें इन्होंने 7 इकोनॉमी से रन लुटाए और 5 वाइड गेंदें भी फेंकी। दोस्तों आज के मैच में भुवनेश्वर कुमार को एक भी विकेट नहीं मिला। दोस्तों चलिए बात करते हैं दीपक चाहर की। तो दोस्तों दीपक चाहर ने 7 ओवर फेंके और इन्होंने 37 रन देकर 2 विकेट झटके और दोस्तों इन्होंने 1 ओवर मेडन भी फेंका, इन्होंने 2 वाइड गेंदें भी फेंकी, लेकिन इन्होंने गेंदबाजी बहुत ही अच्छी करी। इन्होंने महज 5 मिनट 28 की इकोनॉमी से रन लुटाए और आज के मैच में सबसे शानदार गेंदबाजी इन्होंने ही की है। वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या फिट हो जाने के बाद आज गेंदबाजी करने उतरे, इन्होंने आज कम से कम नॉर्मल 5 ओवर ही फेंके। इन्होंने 5 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट निकाला और दोस्तों इसी विकेट के साथ इन्होंने बता दिया कि मैं आज भी ये वही ऑलराउंडर है शानदार। हार्दिक पांड्या ने 6.80 की इकोनॉमी से रन दिए। दोस्तों बात करते हैं युजवेंद्र चहल की। युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर डाले, इन्होंने 52 रन देकर 2 विकेट निकाले, 5.20 की इकोनॉमी से बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी। इन्होंने आज के मैच में पूरी 3 वाइड गेंदें फेंकी। इन्होंने 10 ओवर में 52 रन देकर 2 विकेट निकाले, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी टीम इंडिया की तरफ से। वहीं दोस्तों कुलदीप यादव आज के मैच में बहुत लंबे समय बाद क्रिकेट में वापसी करी, इन्होंने भी 9 ओवर फेंके और 9 ओवर में इन्होंने 48 रन देकर 1 मेडन फेंका और दोस्तों 2 विकेट भी निकाले बहुमूल्य और 5.33 इकोनॉमी से इन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी। दोस्तों युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी ने फिर से कमाल कर दिया। वहीं दोस्तों कुणाल पांड्या ने आज के ओवर में मैच में 10 ओवर फेंके, इन्होंने 10 ओवर में महज 26 रन ही दिए। इन्होंने बहुत ही कंजूसीपूर्ण गेंदबाजी करी और अगर बात करें तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी टीम इंडिया के लिए। इन्होंने 1 मेडन फेंका और 1 वाइड गेंद भी फेंकी और दोस्तों 1 विकेट निकाला इन्होंने टीम इंडिया के लिए और 2.60 की इकोनॉमी से बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी। दोस्तों अगर बात करें तो आज के मैच में दीपक चहर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, लगभग सभी गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी। दोस्तों इसके बाद 263 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की टीम। दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से पृथ्वी शो ने एक बहुत ही शानदार शुरुआत दी टीम इंडिया को। दोस्तों पृथ्वी शो के साथ कप्तान शिखर धवन ने ओपनिंग साझेदारी करी। दोस्तों पृथ्वी शो ने 24 गेंदों पर 43 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली। दोस्तों पृथ्वी शो ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके लगाए। पृथ्वी शो ने T20 जैसी पारी खेली। पृथ्वी शो ने 179.16 की स्ट्राइक रेट से रन ठोके। दोस्तों डी सिल्वा ने बॉलिंग करी और फर्नांडो का हाथों कैच लग पा गया। पृथ्वी शो को 43 रनों के स्कोर पर चलता गया और दोस्तों पृथ्वी शो अपने 8 शतक से चूक गए। दोस्तों इसके बाद कप्तान शिखर धवन अभी भी 72 रनों के स्कोर पर नाबाद अपनी पारी खेल रहे हैं। इन्होंने अभी तक 83 गेंदों पर 72 रन बना लिए हैं, जिसमें इन्होंने 5 चौके लगाए, वहीं एक लंबा सिक्स भी लगाया है। शिखर धवन ने 86.74 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। दोस्तों वहीं बात करें तीसरे नंबर पर आज बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन। दोस्तों ईशान किशन T20 में डेब्यू करने के बाद आज ODI में डेब्यू करने उतरे। दोस्तों इन्होंने ODI में डेब्यू मैच में ही 8 शतक जड़ दिया। दोस्तों इन्होंने भी एक T20 जैसी पारी खेली। ईशान किशन ने मैच 42 गेंदों पर 59 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली। इन्होंने अपनी पारी में 8 चौके, वहीं 2 लंबे सिक्सेस भी लगाए। दोस्तों ईशान किशन ने 140.47 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दोस्तों सनात दकन बॉलिंग करने आए और भनुका के द्वारा स्टंपिंग कर दिया ईशान किशन को। वहीं दोस्तों चौथे नंबर पर आज बल्लेबाजी करने उतरे मनीष पांडे। दोस्तों मनीष पांडे लगभग 2 साल के बाद टीम इंडिया में वापसी करी। दोस्तों मनीष पांडे ने 40 गेंदों पर 26 रन बनाए। दोस्तों इन्होंने 1 चौका, वहीं 1 सिक्स भी लगाया। इन्होंने रन बनाए 65 की स्ट्राइक रेट से। वहीं दोस्तों पांचवें नंबर पर अभी बल्लेबाजी करने उतरे सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार यादव 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर मौजूद है क्रीज पर, 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दोस्तों कप्तान शिखर धवन ने आज अपनी पहली ODI मैच में कप्तानी में एक शानदार शतक लगा दिया है। दोस्तों ये शतक के भी बहुत करीब है, जल्द ये शतक भी पूरा कर लेंगे शिखर धवन। दोस्तों बात करें तो श्रीलंका की टीम ने अभी तक 17 रन पूरे एक्स्ट्रा के दिए हैं टीम इंडिया को, जिसमें से 5 लेग बाय, 1 नो बॉल और 11 वाइड गेंदें फेंकी श्रीलंका की टीम ने। दोस्तों अभी बात करें तो टीम इंडिया का स्कोर अभी 220 रन पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर और 32 ओवर में दोस्तों 6.91 की रन रेट से टीम इंडिया रन बना रही है। दोस्तों वहीं बात करें तो आज श्रीलंका की टीम की तरफ से श्रीलंका की गेंदबाजी इस प्रकार रही। दोस्तों चमीरा ने 6.5 ओवर फेंके हैं। दोस्तों अभी तक 39 रन दिए, इनको एक ही विकेट नहीं मिला है। और दोस्तों इसके उडाना ने 2 ओवर डाले और 27 रन दिए और 13.5 की इकोनॉमी से रन लुटाए। दोस्तों काफ़ी महंगे साबित हुए। वहीं दोस्तों धनंजय डी सिल्वा ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी। इन्होंने 3 ओवर में 30 रन दिए, भले ही महंगे साबित हुए लेकिन इन्होंने 2 बहुमूल्य विकेट झटके, जिनमें से 1 विकेट था पृथ्वी शो और दूसरा विकेट था ईशान किशन का, जिन्होंने 10 की इकोनॉमी से शानदार गेंदबाजी करी। दोस्तों लक्ष्य सनाडका ने 8 ओवर फेंके, 50 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं दोस्तों असलंका ने 3 ओवर में 26 रन दिए। हसरंगा ने 7 ओवर में 27 रन दिए, 1 मेडन फेंका, 1 विकेट नहीं मिला लेकिन बॉलिंग अच्छी करी। और चमीरा करुण रत्ना ने 2 ओवर में 16 रन दिए हैं। दोस्तों आज के मैच में
टीम इंडिया अभी जीत के लगभग बहुत ही पास है। दोस्तों अगर शिखर धवन आज के मैच में अगर शतक लगा देते हैं तो दोस्तों ये ओडीआई में कप्तानी करने वाले और पहले मैच में शतक लगाने पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। तो दोस्तों टीम इंडिया बहुत जीत के करीब है और टीम इंडिया मैच जीतने वाली है।